दोस्तों ये कोबरा स्नेक डार में फंसा है, निकल जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। अरे बहु खींचा रहा फुफाड़ा बहु मारे ले जाओ नजर राखी हे भाई ये यानी पास है यानी पास है बाणी એમાં તમારે ઈ કા દેવાનું ન બાણી તો ગોતવી જો હે કેવું છે તો ઓલે નાની એવી ગોતવી નાની માહી અરે અલ્લા ભાઈ અગડી કમ તો ખરા ઘડી તમે બરુમાં લેન લઈ જાવ છે જેવન તો કા થોડી ગ્રાટ થાય दोस्तों ये सांप को इस पानी के धार में से मोटर ये पाइप तो जा रही है, देखो दोस्त सबको मालूम है, लेकिन मैं एक बात अब आपको बार बार बताऊंगा कि इसे फंदे से ना पकड़े, क्योंकि सांप को बहुत ही नुकसान होता है दोस्तों। नो भाई क्या नो अंदर क्यों तो बोलो જરૂર થવું એટલે મારે મારી રીત નાખવા ને दोस्तों ये सांप थोड़ा गुस्से में तो आ गया है, पानी के डर में से निकला है, लेकिन फायदा यह था कि पानी थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ था तो दिखाई दे रहा था, ऊपर से तकरीबन 20-25 फुट अंदर था, दार तो बहुत ही बड़ा है लेकिन निकल गया, बहुत सी बात है। शान
શાંતિ થી ઉભો રહ્યો, કોઈને કાલી તલી કરવાની નથી. सांप कभी किसी को ऐसे ही काटते नहीं है. आपका पैर आ जाए इसके ऊपर या फिर आपसे डर जाए तो ही ये काटता है, वरना कभी किसी को काटता नहीं. हम इसे पकड़ते हैं तो भी हमें कुछ नहीं करता है, अच्छी बात है, वरना हमारे जैसे लोग दुनिया में होते ही नहीं पकड़ने वाले. ओके दोस्तों, तो अभी से पैक कर लेते हैं. बैन कर दो उन्हें. ना ना कह रहे हो ना, चीज ये कुछ खाई हुई चीज है. मैं इसे निकलना तो नहीं चाहता, लेकिन ये डब्बे में जाके निकल गया. ऐसी तकलीफ तो है दोस्तों, क्या बताइए. अभी चूहा खाया है, क्या खाया है, या कई सारे मेंढक. देखिए दोस्तों, एक दो तीन चार, चार मेंढक के बच्चे निकल लिए. मैं मना कर रहा था, इसलिए पैक कर रहा था इसे, मगर उसने निकाल ही दिया, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत और परेशानी और डर थोड़ा सब कुछ होता है, इसीलिए ये सब खाई हुई चीज़ निकाल देता है. और मैं स्नेक कैचर दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ कोई भी जहरीला सांप निकले तो इसे प्लीज दबना दे खड्डा करके. ओके दोस्तों, ओके दोस्तों. तो इसे अब पानी के डार में से निकला था, मेहनत तो ज़्यादा हुई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सांप सेफ एकदम आराम से निकल आया. ओके, तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों. जय हिंद, जय भारत.